न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गाजियाबाद में पत्रकार की मौत ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। एक तरफ कांग्रेस जहां इस मामले को मुद्दा बना रही है, वहीं योगी सरकार ने पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपया देने की घोषणा की है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब लड़खड़ा गई है। आइए सुनते हैं सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। कि गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हमारे एक पत्रकार साथी विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून के शासन नाम की कोई चीज बची नहीं है और कानून व्यवस्था और सरकार का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। उत्तर प्रदेश की यह घटना और ज्यादा दुर्दांत है। 16 जुलाई 2020 को हमारे दिवंगत पत्रकार साथी विक्रम जोशी की 17 साल की भांजी, उसके साथ छेड़छाड़ रवि नाम का एक गुंडा करता है और उस बिटिया के भाई को सरेआम विजयनगर गाजियाबाद में पीटता है। विक्रम जोशी एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाने जाता है, पर आदित्यनाथ सरकार और उनकी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। रवि, छोटू और अन्य बदमाश फिर घात लगाए बैठे रहते हैं और जब विक्रम जोशी अपनी बहन के नगर माता बहन के घर माता नगर गाजियाबाद में 20 जुलाई को जाता है तो ये गुंडे 8 बजे साय को घर पर हमला बोलते हैं, शीशियां फेंकते हैं। विक्रम जोशी फिर पुलिस को फोन करता है, एसएचओ को फोन करता है, एसएचओ आने से इनकार कर देता है और जैसे ही विक्रम जोशी घर से बाहर जाता है दोनों बच्चियों के साथ तो उसकी 11:30 बजे नृशंस हत्या की जाती है। उसकी छोटी सी अबोध बिटिया अपने बाप को जगा जगा कर कह रही है कि पापा उठ जाइए, पापा उठ जाइए और हमें घर लेकर जाइए, परंतु विक्रम जोशी दोबारा कभी आंख नहीं खोलते। आदित्यनाथ जी, क्या आपकी भी कभी आंख खुलेगी? भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून का शासन है कहां? क्या ये वो रामराज है जिसका वायदा भाजपा ने करके सत्ता ली थी? इससे बड़ा गुंडा राज और जंगल राज हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में तब्दील कर दिया है। इधर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पत्रकार की भांजी को कुछ बदमाश छेड़ रहे थे, इसकी रिपोर्ट पत्रकार ने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इससे नाराज होकर उन बदमाशों ने पहले पत्रकार को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद सरेआम उसके सर में गोली मार दी। पत्रकार ने अस्पताल में मौत से जूझते हुए आखिरकार दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश जेल में 64 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां के जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी जानकारी नरोत्तम मिश्रा जो जेल मंत्री हैं उन्होंने दी है। जेल मंत्री ने कहा कि जेलर विनय चंदेल को जेल में कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, इस कारण जेलर को तुरंत सेवा से निलंबित कर दिया गया है। जेल मंत्री ने कहा कि जेल के 40 कोरोना मरीजों को विदिशा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है और बाकियों को रायसेन जेल में ही रखा गया है। जेल मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि राज्य भर के किसी भी जेल से कोई भी आरोपी लाया जाए तो पहले उसका कोविड-19 टेस्ट कराया जाए, उसके बाद उसे जेल में ही क्वारंटीन कर दिया जाए। पुलिस
जेल महानिदेशक संजय चौधरी ने कहा है कि कोविड 19 प्रकोप के बाद जेल में भीड़ को कम करने के लिए 9000 जेल कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। पैरोल पर कैदियों को भेजने के बाद भी 28,500 की क्षमता वाली जेलों में 36,000 कैदी जेलों में बंद हैं, यानी ये क्षमता 24% से ज्यादा है। गुजरात हाईकोर्ट संघ के अध्यक्ष यतिन ओझा से उनका सीनियर एडवोकेट का पदनाम छीन लिया गया है। ओझा पे आरोप है कि फेसबुक लाइव में उन्होंने जजों के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिससे उन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई है। श्री ओझा को सीनियर एडवोकेट का पदनाम 1999 में दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ऑफ गुजरात के रूल 26 का हवाला देते हुए कहा कि यदि घटना में एक सीनियर एडवोकेट को ऐसे आचरण का दोषी पाया जाता है तो फुल कोर्ट के अनुसार संबंधित एडवोकेट को पदनाम की योग्यता के लिए अपात्र ठहराया जाएगा। विवाद के मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए लखनऊ के लोक भवन के सामने मां बेटी ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसमें आज मां की मौत हो गई है। वहीं बेटी का इलाज अस्पताल में अभी जारी है। हजरतगंज थाने के इंचार्ज ने बताया कि मां बेटी आत्मदाह करने जा रही है, इसका उन्हें पूर्व में कोई भी आभास नहीं था और न ही सूचना दी गई थी। ये विवाद क्या था? जामों में उनका कुछ लोगों से जमीन एवं पानी निकासी का को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहा था। जामों में मां बेटी का पैतृक जमीन है, इस जमीन पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे और वहीं लोग मां बेटी को परेशान भी कर रहे थे। इस बाबत उन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और वो उन पर हमला भी कर चुके थे। बहरहाल मां की मौत और आत्मदाह के प्रयास के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और 4 लोगों को उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामले की छानबीन अभी चल रही है। राजस्थान सियासी घमासान के बीच हाईकोर्ट से आदेश आने के पहले ही विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने लगभग अपनी हार मान ली है, क्योंकि उनके ट्विटर पर दिए इस बयान से पता चलता है कि उन्होंने अपने वकील को सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी के लिए कह दिया है। इससे यह साफ पता चलता है कि राजस्थान हाईकोर्ट से स्पीकर के खिलाफ आदेश पारित होने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट स्पीकर को निर्देश दिया है कि विधायकों पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि स्पीकर के खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश पारित हो जाता है तो ये गहलोत सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियेपन से प्रदेश में ग्रस्त हो गई है। श्री सीपी जोशी जी की योग्यता पर भी अगर उन्हें शक है, उनकी काबिलियत पर भी अगर शक है, जिनको उन्होंने निर्विरोध स्पीकर चुना है, तो ये उनके मानसिक दिवालियेपन का जीता जागता सबूत है। आदरणीय सीपी जोशी जी को किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं। वो एक प्रोफेसर भी रहे हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें मालूम है संविधान की रक्षा कैसे करनी है। ना श्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के विधायक डरने वाले और ना हमारी सरकार अस्थिर होने वाली। बिहार शेल्टर होम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर से संबंधित सीबीआई से जवाब मांगा है। ब्रजेश ठाकुर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और निचली अदालत के आदेश को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ब्रजेश ठाकुर पर शेल्टर होम की लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।